ईयरली किसी ने आंसर दिया था, ईयरली होगा या हाफ ईयरली? टॉक वेरिफिकेशन तो साल में दो बार ही होता है ना। हाँ एटलीस्ट, हाँ सर ने लास्ट टाइम भी बताया था, किसी ने क्वेश्चन अराइज किया था तो कुछ साल ऐसे में दो बार आइटम्स। होता है, साल हाँ, में दो एटलीस्ट बार होता हाफ, है। मतलब बात आंसर ये होगा कि हाफ हाँ ईयरली। हाफ ईयरली मतलब कि देखो अगर स्टॉक को प्रोडक्ट के हिसाब से देखा जाए तो जैसे कि क्लास ए का महीने में होता है, क्लास बी का 3 महीने में होता है शायद, और ऐसे मतलब कि होता है ना क्लास सी क्लास डी आइटम्स अगर रहेगा तो। लेकिन जो राइट, लेकिन स्टॉक जिसमें है जिसमें जिसमें अगर यदि क्लास मेंशन ना हो और ना जेनरिक जनरली हो क्वेश्चन तो अराइज करे तो हाफ हाँ ईयरली क्लास होगा, जब ना मतलब हो तो हर आधे साल में एक बार आपको स्टॉक वेरिफिकेशन करना है। ये तो अच्छा। पता तो किसी कैसे ने चलेगा आंसर किया अपना था, मेटेरियल मेटेरियल अच्छा है किसी कि ने नहीं, बुरा है आंसर कि या किया डैमेज हो था गया। ईयरली, तो मैं कंफ्यूजन हो नहीं गया नहीं क्योंकि लास्ट 2 दिन पहले ही चीज डिस्कशन हुआ था हम लोग का और सर के साथ भी, अपीयरली हाफ होता है। ईयरली। और राइट, एक और उसमें एक क्वेश्चन आया था तो कि कौन सा एक उसका था इंस्पेक्टर स्टोर, मतलब इंस्पेक्टर का क्या काम है उसमें अपने इधर। 1 मिनट मैं ये कर लेता हूँ, थोड़ा क्वेश्चन निकाल लेता हूँ, 1 मिनट। हाँ निकाल लो, वही बात है कि ये जो ये तो आप सर का ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 74 किसी ने सबमिट किया था, मटेरियल इंस्पेक्शन नोट इज साइंड बाय द इंस्पेक्शन नोट। मटेरियल इंस्पेक्शन तो एमसीयू करता है, लेकिन एमसीयू तो यहाँ है ही नहीं है ऑप्शन में, तो मटेरियल इसका आंसर क्या होगा श्रीकांत भाई, 74 का? हेलो, हेलो, हाँ वही सेवेंटी थोड़ा फाइव प्रॉब्लम हो गया सेवेंटी फोर क्वेश्चन नंबर 74 देखा था क्या आपने? था। हाँ वही मटेरियल इंस्पेक्शन नोट इज साइंड बाय इंस्पेक्टर कौन है भाई अपने इधर। इंस्पेक्टर क्वालिटी कंट्रोल मेरे को लग रहा इंस्पेक्टर है ये। कि हाँ स्टोर कीपर होना चाहिए क्योंकि एमसीओ नहीं है, एमसीओ रहता तो एमसीओ करता है, लेकिन यहाँ तो देखिए स्टोर देखिए कीपर देखिए होगा। मेटेरियल इंस्पेक्शन कौन करता है, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट है, कोई क्यूए डिपार्टमेंट करता है, क्वालिटी एनालिसिस कंट्रोल डिपार्टमेंट क्यूएसी। तो उसमें क्या है कि भाई इंस्पेक्ट, हेलो, बोलिए। शायद इंस्पेक्शन का अर्थ यहाँ पे क्या है कि बचा हुआ मटेरियल, ठीक है? तो बचा हुआ मटेरियल मटेरियल इंस्पेक्शन मतलब जो क्यूए क्यूएसी करता है हुआ, ना। नहीं, बचा बचा हुआ नहीं, नहीं नहीं जो नहीं सुनिए हमारे ना, मटेरियल ये सब स्टॉक में ऑल ऑफ है। दीज है, ये सब ऑल ऑफ दीज में आएगा शायद। ये क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग में भी मटेरियल अकाउंटिंग होता है। मेटल नोट साइन कौन करता है, वही बात। ठीक है इसको रखते हैं पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से ऑल ऑफ दीज आएगा इसका, क्योंकि अच्छा इसका मतलब होता है कि रीप्राइसिंग स्टैंडर्ड एस्टीमेट किसको बताए, रीप्राइसिंग स्टैंडर्ड एस्टीमेट इधर क्वार्टरली हाफ ईयरली ये क्या है फोर्टनाइटली जो मंथली है भाई, रात में भी साइन करने भी आएगा ये भाई या मंथली। स्टैंडर्ड एस्टीमेट का तो हाफ ईयरली होना चाहिए। रीप्राइसिंग स्टैंडर्ड इसमें रीप्राइसिंग अच्छा, रीप्राइसिंग है क्या? हाफ ईयरली, हाँ रीप्राइसिंग हाफ ईयरली अपीयरली। ही हाँ अपीयरली होगा। राइट, होता लेकिन वन किसी ने ईयरली, सिल्वर ट्वाइस हाँ हाफ ईयरली होगा सिल्वर वो, होगा 48 देखो ट्वाइस ही है ठीक है, ट्वाइस इन ए 48। ईयर, वन ट्वाइस मिनट इन ए वन ईयर मिनट दो बार हाँ ट्वाइस और इन ईयर वो मतलब हाफ ईयरली। राइट, सी हाँ होगा, इच सही है। प्लस ऑफ एक्सट्रैक्ट, इच प्लस ऑफ एक्सट्रैक्ट बी इशूड बी फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वुडन वर्क्स टू परमानेंट एम्प्लॉई ऑफ एडवांस फैक्ट्रीज ऑन पेमेंट। तो इसका आंसर आप कौन सा बताओ। है उसको, कौन सा मेरे को पता नहीं। मेटेरियल से कौन सा जाता है, मेटेरियल को देखना पड़ेगा ये क्योंकि अपना नहीं, सर्विस उसमें मैं एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट में स्टडी अच्छे से किया, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन नहीं मिला मेरे को जिसमें मेंशन हो क्लास कि क्लास फोर मतलब क्लास फोर क्लास फोर क्लास क्लास फोर क्लास फोर फोर क्लास मेटेरियल फोर फोर है, सही कह रहे हैं, हाँ क्लास फोर। एस ओके, डब्ल्यू ओ डी
मतलब अपनी फैक्ट्री के लिए, अपनी फैक्ट्री के लिए कुछ जरूरत के अनुसार कोई भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करना। बस 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 घुमा के फेंक दिया, हम लोग इधर घूम रहे हैं इर्द गिर्द। ओके अच्छा लास्ट वाला जो 91 क्वेश्चन है, ऑन ऑल श्रीकांत भाई, श्रीकांत भाई मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने दिया था। अब ये क्वेश्चन पेपर मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा है, बता दूंगा मैं आपको, लेकिन इसमें जो आंसर दिया हुआ है ना वो सेकंड दिया है, क्लास सेकंड वाला। सेकंड आंसर गलत है, डब्ल्यूसी के अंदर में होगा। कैपिटल सर्विसेज अंडरटेकन बाय फैक्ट्री भी हो सकता है। कैपिटल सर्विसेज में क्या क्या रहता है? कैपिटल सर्विस में ये नहीं आएंगे, मशीनिंग टूल्स हो जाएंगे, मशीन्स आ जाएंगे, ये नहीं आएगा। ये SWOT, ये मतलब ये प्रोडक्शन के लिए ही जरूरी सामान बना रहे हैं, मतलब ये पैकिंग के लिए जरूरी सामान होंगे। तो क्लास 4 में आएगा फैक्ट्री इंटरनल वर्क, क्लास हाँ SWOD इंटरनल वर्क। हमारा 1-2-3 ऑप्शन निकल गया, मतलब ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन निकल गया, बचा कौन सा है? क्लास 4 ऑप्शन बचा है, मतलब क्लास 4 ही होगा वो, बिल्कुल इंटरनल, क्योंकि वो पेमेंट इशू में कभी भी नहीं। एक मिनट, लास्ट टू में पेमेंट इशू, पेमेंट इशू कैसे हो सकता है? गलत बता दिया मैंने। लास्ट टू में सेंट्रल गवर्नमेंट या सिविल इंटरनेट, रेलवे, भूपेन। हेलो भूपेन जी, सुनिए भूपेन जी, अभी हम थोड़ा, मैं थोड़ा बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिए सब लोग। एक क्लास एक्सट्रैक्ट विल बी इश्यूड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वुडन बॉक्स टू परमानेंट एम्प्लॉइज ऑफ ऑरिलाइंस फैक्ट्री ऑन पेमेंट। आपको ये क्वेश्चन में ऐसे फेंका है उसने, ये कंफ्यूज करेगा थोड़ा, किसका आवाज बंद कर दीजिए, थोड़ा चीज बताने वाला हूँ। एक लास्ट वाले पेमेंट आंसर सेकंड होगा, बराबर, मैं गलत बता रहा हूँ, 4 होगा लेकिन आंसर सेकंड होगा, क्योंकि ये पेमेंट के लिए बोल रहा है पेमेंट। तो पेमेंट इश्यूज कौन सा है? क्लास 2 एक्सट्रैक्ट है, समझ गए कि नहीं? तो जैसे कि हमारा एयरफोर्स हो गया, नावी हो गया, एमएचओ हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू एंड प्राइवेट सिविल इंडेंटर्स, समझ लिए सर? हेलो, हाँ। उसने क्वेश्चन में क्या मांगा है? पेमेंट मांगा है। हम लोग पेमेंट कौन से एक्सट्रैक्ट में कर रहे हैं? क्लास 2 एक्सट्रैक्ट में कर रहे हैं। मैं गलत बता रहा हूँ कि ये वार को मैं छोड़ के मैं चला गया कौन सा फैक्ट्री इंटरनल वार्क में हम लोग चले गए, लेकिन मेरी गलती थी, मैं मान रहा हूँ, एंड सॉरी फॉर दैट। ये बोला है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ऑन पेमेंट, जब हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अभी तक मतलब इसका मतलब ये है कि फैक्ट्री को पेमेंट मिलेगी उस बॉक्स से, किसी और गिफ्ट नहीं, पेमेंट, हाँ वो पेमेंट भी उसमें आएगा, मतलब क्लास 2 एक्स्ट्रा, आंसर क्लास 2 एक्स्ट्रा भी होगा, क्लास 2 क्लास 2
हमारा पूरा मतलब की मार्केट डिस्ट्रॉय कर रहा है, मतलब की हमको समझ रहा है पेमेंट इसमें क्या कर रहा है, वुडन बॉक्स टू परमानेंट एम्प्लॉइज, वुडन बॉक्स टू परमानेंट एम्प्लॉइज और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ऑन पेमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वुडन बॉक्स, मतलब वुडन बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग किया और बेचा वो पेमेंट कर रहा है सीधी सी बात है, पेमेंट मिला फैक्ट्री को, पेमेंट मिला क्लास टू पेमेंट मिला तो क्लास टू सिविल इंडियन हां कोई भी दे सकता है इसको, कोई भी दे सकता है, कोई भी पेमेंट इशू कर दे सकता है, वो छोड़ दीजिए कौन दिया नहीं दिया छोड़ दीजिए, लेकिन हमारा मुद्दा ये कि पेमेंट जो हो रहा है मतलब कि ये क्लास टू एक्सट्रैक्ट में आएगा, ठीक है? ओके ओके समझ गए सर? ओके और क्या बाकी था? और क्या बाकी था बताइए ए, सर मैं अभी कनेक्ट हुआ हूँ, थोड़ा सा मुझे एक बार सभी का आंसर बता दीजिए ना। देखिए 91 का आंसर है 5%, ठीक है? एक फाइव परसेंट ओके एंड 76 का बी स्टोर डिपार्टमेंट स्टोर विभाग एंड व्हाट इज 74 का आंसर क्या दिया है स्टोर कीपर सामग्री निरीक्षण के द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है सामग्री निरीक्षण मटेरियल इंस्पेक्शन ये किसने साइंड बाय किसने डाला था आंसर शीट में आंसर क्या है सीरियल में कौन डाल के बता नहीं ये तो एमआईएस की बात हो रही ना नहीं ये है शायद मटेरियल इंस्पेक्शन वो मटेरियल इन्वॉल्व होता है ठीक है वो इंस्पेक्शन आप थोड़ा ये कीजिए हां वही एमआई करता है ना नहीं अच्छा रीप्राइसिंग स्टैंडर्ड एस्टीमेट का आंसर क्या होगा बताओ क्वार्टरली हाफयरली फोर्टनाइटली मंथली हाफयरली हां अब 66 का क्वेश्चन छोड़ दीजिए मुझे आता ही नहीं सर कैलकुलेशन क्या है जिसको आता है थोड़ा काइंडली बता दीजिए और 65 का आंसर है क्लास टू एक्स्ट्रा बी होगा ठीक है 65 48 का आंसर होगा सी 48 का सी साल में दो बार हम्म के प्रत्येक वस्तु को वास्तविक स्टॉक कम से कम साल में दो बार करनी चाहिए सब लोग आ गए ये रिव्यू ऑफ स्टैंडर्ड एस्टीमेट का क्या है 6 मंथ धीरे 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 एंड 66 हेलो हेलो क्या पूछ रहे थे 66 का बताइए ना 66 का निकालना पड़ेगा मुझे भी आता नहीं क्या इक्वल में एरर क्वांटिटी लेकिन एक चीज है कि जो ईओक्यू का सवाल प्रथम क्या है वो थोड़ा याद रख लीजिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इसका होता है यार ईओक्यू बराबर 2 अंडर रूट डी अपॉन एस अच्छा अच्छा आप काम कीजिए उसको एक पेपर पे लिख के फोटो डाल दीजिए ईओक्यू का कैलकुलेशन तो सब लोग हम लोग नोट डाउन कर लेंगे तो क्वेश्चन भी आएगा तो उसके ऊपर कैलकुलेशन भी हो जाएगा यस करेक्ट You are right. तो आज कुछ बताओ क्या क्या कर रहे हो अभी आप डिस्कस करने का मेरा कोई मूड नहीं है तो आज आप बताओ कि क्या कर रहे हो जिसमें मतलब क्वेश्चंस को कर रहे जो फ्लाइट मोड में अच्छा इंसेंटिव बोनस टू एसेंशियल मेंटेनेंस वर्कर कौन सा ओवर है आपका कौन सा इंसेंटिव बोनस टू एसेंशियल मेंटेनेंस वर्कर कौन सा ओवर है में आता है
ये फिक्स्ड ओवरहेड में आएगा, फिक्स 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 ओवरहेड। एक मिनट, इंसेंटिव बोनस है ना वो प्रोडक्शन सेक्शन का 50% इंसेंटिव बोनस रहता है, तो ये फिक्स में नहीं आएगा क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमारा प्रॉफिट फिक्स है, वो वेरी करते रहेगा प्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली, या हमारा रिजेक्शन या जो एक्सेप्टेंस रहता है जॉब उसके अकॉर्डिंगली वो वेरी करेगा। तो वो वेरी करेगा, तो जब हमारा पीस वर्क वेरी करेगा तो ऑटोमेटिक जो इंसेंटिव बोनस है वो भी वेरी करेगा, तो ये वेरिएबल ओवरहेड में आएगा। लेकिन आपने पहले इंसेंटिव बोनस का वर्क ऑर्डर कौन सा है श्रीकांत भाई? तो वेरिएबल वर्क ऑर्डर है ना, वेरिएबल वर्क है, लेकिन आपने क्वेश्चन गलत बता दिया, तो आप कर गए। क्या 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 फिर से आप बताओ। आपका एक मार्कर भी है ना, आपने पहले बोला था फिर पहले रहेगा, मतलब हमारा में अगर कुछ टाइम में क्वेश्चन को सवाल में बार कर भी है ना तो दोबारा बदल नहीं सकते, थोड़ा शांति से देख लीजिए कौन सा है क्या नहीं, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मतलब ठीक है, मतलब देखो सबसे पहले मैं थोड़ा देख के ठीक है क्वेश्चन क्या मांगा अभी देखो श्रीकांत भाई, मैंने देखा कि इंसेंटिव बोनस 50% फिक्स है, तो मेरे को लगा कि वो जाएगा, लेकिन फिर मैं कैलकुलेट किया कि वो तो हमारा पीस वर्कर के ऊपर डिपेंडेंट है, पीस वर्कर का जो जितना बेनिफिट मिल रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, और वो जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट रहता है, वो तो फ्लक्चुएट करते रहता है, तो जब वो वेरी करेगा तो ये भी वेरी करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये 02 के एक नंबर वर्क ऑर्डर में एक नंबर पे यही इंसेंटिव पीस वर्क किस में आएगा? वेरिएबल वर्क 02 सीरीज में, 02 सीरीज में आएगा, देखना पड़ेगा। 02 में कौन सा, एक ही नंबर बचा है तो एक ही नंबर जनरल शॉप ले, जनरल शॉप उसका वर्क ऑर्डर कौन सा, उसका वर्क ऑर्डर है 02/4x03/00। 03 तो है नहीं ना, अब कट गया अभी, अब तो हट गया ना वो, इसलिए तो कंफ्यूजन। अरे 02/4x03/00। अरे भाई 01 के पास 03 है नहीं ना, मतलब 02 में कौन कौन से वर्क ऑर्डर है, एक है जनरल शॉप लेबर, सिक्स है। रिलैक्स 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 भूपेंद्र लिखित कर दी, रिलैक्स, मेरे पास जो बुक है उसका फोटो खींच के डाल देता हूँ, उसमें वर्क ऑर्डर लिखा है इंसेंटिव बोनस में, मार्क भी कर दिया, ओके रिलैक्स, मैं भी फोटो खींच के डाल देता हूँ, अब देख लीजिए, ओके। ये तो मेरे 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 पास भी है लेकिन ये हट गया है ना, ये मैं कंफ्यूज, डिलीट हो गया ना 2016 से, वही तुम्हें बोल रहा हूँ, ये लिखा तो है सही में, ये मेरे पास भी है लेकिन ये हट गया ना, डिलीट हो चुका है, इसलिए तो मैं कंफर्म कर रहा था। श्रीकांत 02/00 आना? ये जीरो टू में वन है जनरल शॉप लेबर, उसके बाद सिक्स आ जाएगा, थ्री नहीं है, सिक्स आएगा ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट क्या चल रहा है अभी, वही तो नहीं मालूम ना, वो कंफर्म कर रहा था, मेरे हिसाब से 01 में ही आएगा, फिर जनरल शॉप लेबर। थोड़ा याद रखो, फिर भी थोड़ा याद रखो, अगर आ गया तो ठोक दो, नहीं आ तो छोड़ दो। हाँ वो तो ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। जैसा श्रीकांत भाई बोल रहे हैं कि ठोक दो, तो वो क्वेश्चन ही गलत है, अभी वर्क ऑर्डर हट गया है ना, तो यदि आप ठोकोगे तो वो खत्म हो जाएगा, आपका मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर सर कैंसिल हो गया तो वो तो कैंसिल ही हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सब नहीं हुआ के, हाँ तो इस नहीं हुआ तो एक नंबर बन जाएगा, नहीं वो तो करवाना ही पड़ेगा ना, यदि गलत इस टाइप का क्वेश्चन जो भी आ जाए और हमने अपने को खुद को मालूम है कि वो वर्क ऑर्डर डिलीट हो गया है,
और ऑप्शन में वो है तो उसको मतलब सॉल्व करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? नहीं नहीं सॉल्व करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए, पर मतलब कि ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर चाहिए उधर पे। और यदि उधर पे नया वाला वर्क ऑर्डर है तो उसमें और पुराना वाला भी दिया है तो आपको यदि नया वाला मालूम है तो नया लिखना है। ओके सर, अभी इंसेंटिव के पीस वर्क के लिए 01 से आएगा ना? अब ये एग्जैक्ट वो सारे पीस वर्क, अब वो वर्क ऑर्डर देखना पड़ेगा सर, उसमें नहीं लिखा है, उसमें बस जनरल शॉप लेबर और ओवर टाइम के लिए लिखा है वो। हाँ, वो सा वाला उस जनरल शॉप लेबर हुए कौन सर, उसमें पीस वर्क आएंगे या अपना डे वर्क वाले आएंगे? ये ओवरहेड है ना, और जो ओवरहेड में जो पीस वर्कर तो आएगा नहीं, ओवरहेड में केबल और केबल जनरल शॉप लेबर आएंगे, डे वर्कर और जिनका एलोकेशन शीट वगैरह बना है, इंसेंटिव वर्कर जो बोले जाए, क्योंकि पीस वर्कर का पूरा का पूरा वो उधर पे मतलब कि डायरेक्ट में है, वहां नहीं आएगा। ओके सर, इसका सर ये क्लियर हो जाता कि कौन से इसमें आ रहा है, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो फिर मतलब कौन से वर्क ऑर्डर के थ्रू इनकी पेमेंट होगी इंसेंटिव पीस वर्क की। एक मिनट, मैं वर्क ऑर्डर की बुक खोल रहा हूँ, नहीं नहीं ये पीस वर्क तो अभी भी मिल रहा है, इंसेंटिव तो अभी भी मिल रहा है, तो क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आएगा उसकी जगह पे। फैक्ट्री में नहीं मिल रहा तो क्या हुआ, और फैक्ट्री में तो मिल रहा है। नहीं उसको उसकी जगह मिल रहा है। एक मिनट, पहला वर्क ऑर्डर आप कौन सा बोल रहे हैं जो उसमें लिखा है आंसर में? 03 पुराना है सर। हाँ पुराना वाला 03 02/0 4x03 नाइट ड्यूटी अलार्म पे। हेलो हेलो 03 नाइट ड्यूटी अलार्म से ये पहले का था, तो ये देखिए अभी आप लोगों को दिख रहा होगा डिलीटेड अर्लियर सर, वही तो है ना, तो ये डिलीट कर दिया गया। अब यदि आपको आप क्या देख रहे हैं, आपको क्या चाहिए, किसका चाहिए? इंसेंटिव, इंसेंटिव पीस वर्क का सर। पीस वर्क का नहीं होगा, पीस वर्क तो ओवरहेड में आते ही नहीं है वो तो उसमें, यहाँ पे वर्क ऑर्डर में केवल और केवल इसका चलेगा जो इनडायरेक्ट है सर। इंसेंटिव बोनस का ढूंढ रहे हैं ये लोग, इंसेंटिव बोनस का 04 है, 04 भी डिलीट हो गया है 02 सीरीज का। हाँ तो पुराने वाले में 04 है ना, तो वो डिलीट हो गया तो उसको छोड़ना पड़ेगा, दूसरा ढूंढना पड़ेगा ना कौन सा। तो वो जो जनरल शॉप लेबर है उधर पे सारी चीजें आ जाएंगी। 01 में ना, मैं एक दो जगह पढ़ रहा था मेंटेनेंस वर्कर, और कहीं पर लिखा हुआ है एसेंशियल मेंटेनेंस वर्कर, इनमें डिफरेंस क्या है? देखो यहाँ आ जाओ, इनमें क्या डिफरेंस है सर, मैं बताऊं सर? हाँ बताइए सर। एक्चुअली देखिए इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के बारे में बता सकता हूँ, कुछ एम्प्लॉइज सर इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में काम करते हैं सर, और कुछ एम्प्लॉइज इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन में काम करते हैं, या तो उस इलेक्ट्रिकल उस प्रोडक्शन सिस्टम के में काम करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंटिन्यू मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू है, जैसे फर्नेस जिस सेक्शन में फर्नेस है सर। तो एसेंशियल मेंटेनेंस वर्कर क्या है कि जो मतलब की संडे भी आता है उनका ड्यूटी, हॉलीडे में भी आता है उनको, ना कोई उनको प्रेजेंट चाहिए, जैसे कि सबस्टेशन में कभी भी छोड़ नहीं सकते खाली, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है, तो इसीलिए क्या होता है कि उसमें एक मेंटेनेंस वर्कर को अपॉइंट किया जाता है कि हॉलीडे या संडे में
एबीसी शिफ्ट में, शिफ्ट में मतलब कि जैसे अपने हिसाब से मतलब कितना वर्कर जाना चाहिए उसी तरह से वो वर्कर डिप्लॉय किया जाता है। जैसे मॉर्निंग में दो आदमी, दोपहर में दो आदमी और रात में दो आदमी, टोटल छह आदमी अगर छुट्टियों में सर डिप्लॉय कर देते हैं उन लोगों को सर एसेंशियल मेंटेनेंस वर्कर कहा जाता है। आवश्यक सेवा जो प्रोडक्शन के अलावा भी आपकी जरूरी है, जैसे वाटर सप्लाई आपको क्वार्टर के लिए देना ही पड़ेगा, फैक्ट्री वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी हो गई, दरबार एसेंशियल में ही आएंगे। और इलेक्ट्रिसिटी तो इनको क्या, नहीं तो क्या इनको इंसेंटिव बोनस मिलेगा? नहीं 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 इनको नहीं मिलेगा अगर जो प्रोडक्शन से जुड़ा है, नहीं मेंटेनेंस का काम कर रहा है, मेंटेनेंस वाले को मिलेगा, आईबी मिलेगा सर, एसेंशियल मेंटेनेंस वाले को नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं तो वो वर्कर सिक्योरिटी वाला वर्कर नहीं है ना, वो तो एनआईज में आ रहा है ना सर, नहीं मिलता सर। एसेंशियल मेंटेनेंस एक है ये कि यूजुअली नॉट अवेल्ड बाय एसेंशियल मेंटेनेंस वर्कर इंसेंटिव बोनस, इसने बोला सर कोर्स सर 2020 ये सर 2014 का ओपीए का क्वेश्चन है। हाँ सर, और 2020 एपीएसपी में पूछा है सर, ग्रुप बी में क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें बोला है कि उत्पादन कर्मचारी और अनिवार्य रखरखाव कर्मचारी दोनों में से किसी को नहीं मिलता है, नहीं प्रोडक्शन वर्कर एंड एसेंशियल मेंटेनेंस वर्कर दोनों में से किसी को नहीं मिलता। प्रोडक्शन वर्कर को तो पीस मनी मिलेगा ना, वो तो पीस मनी वाला होगा, प्रोडक्शन वर्कर जो हो गया बराबर है वो आएगा यहाँ नहीं, तो उसको भी नहीं मिलता है, वो तो पता है सबको कंफर्म है, लेकिन एसेंशियल मेंटेनेंस वर्कर को भी, एसेंशियल मेंटेनेंस वर्कर को भी नहीं मिलता है सर, ये क्वेश्चन दिया हुआ है सर। आईबी एसेंशियल एसेंशियल वर्कर को मिलता है सर, अपने यहाँ मिलता है, अपने अपने यहाँ नहीं, सब जगह जो गाइडलाइन है आईबी की, इंसेंटिव बोनस की गाइडलाइन ही है कि सारे भी मतलब की एसेंशियल वर्कर्स को मिलेगा, लेबर को नहीं मिलेगा, बस वो आईबी की पूरी वर्कमैन है अलग। हाँ वर्कमैन सर, डे वर्कर को और एसेंशियल मेंटेनेंस वर्कर दोनों को मिलेगा मतलब? हाँ डे वर्कर है और वो उसकी भी पूरी पूरी टर्म्स कंडीशन है कि डे वर्कर कहाँ एम्प्लॉय है, फैक्ट्री के अंदर है तो उसको मिलेगा, फैक्ट्री के बाहर है तो उसको नहीं मिलेगा, कुछ एक ढेर सारी उसके क्लॉजेस है इंसेंटिव बोनस के, तो वो पढ़ लीजिएगा। सर सर बाहर वाले को भी मिलता है, बाहर वाले को मिलता है, वो दे देते हैं, लेकिन एज पर बुक जो है थ्योरेटिकल नहीं मिलता। देखिए ऐसी चीजें करी जाती हैं इसलिए मिलता है कि उसकी भी एक गाइडलाइन है कि मान लीजिए एक पावर स्टेशन है फैक्ट्री के अंदर लगना चाहिए था पर किसी कारणों बस सुविधा अनुसार उसको बाहर लगाया गया तो उनको भी दे दिया जाता है। हेलो हेलो एक मिनट सर, हमारे यहाँ क्या है ना, एक मिनट आप लोग बात करिए, मैं थोड़ा सा एक जरूरी फोन आ रहा है। हाँ फोन आ रहा है तो इसे आईबी वाली पूरी गाइडलाइन पहले पढ़ लीजिएगा, उसमें क्लॉजेस दिए हुए हैं उसके हिसाब से ही आंसर। आपकी फैक्ट्री में क्या चल रहा है वो एक अलग मैटर करता है, आप फैक्ट्री को देखते हुए कि आप क्या लेबर को भी दे रहे हैं कुछ एक फैक्ट्री में आईबी, तो वो एज पर रूल नहीं है वो, तो सर कैजुअल लेबर जो शॉप प्रोडक्शन शॉप में होते हैं उनको भी दे देते हैं। कैजुअल लेबर को कहां से दे देंगे यार आईबी? नहीं नहीं ये पीस मनी, पीस वो जो रहती है सर, पीस वर्क, हाँ पीस वर्क उनको भी दे देते हैं जो कैजुअल लेबर रहते हैं ना, कैजुअल मतलब वो एजेंट फ्रेंडली चल रहा है, अनऑफिशियल चल रहा है। नहीं कैजुअल लेबर से आपका क्या मतलब है? कहने का मतलब दोज हु वांट्स टू, वो कुछ टाइम के बाद वर्कर बन जाएंगे ना, मतलब जो फैक्ट्री के एम्प्लॉय, फैक्ट्री के एम्प्लॉय हैं या बाहर के हैं? नहीं फैक्ट्री के एम्प्लॉय हैं सर। हाँ फैक्ट्री के कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले नहीं। हाँ कैजुअल लेबर उनको बोला जाता है जो बाहर से आते हैं कैजुअली मतलब। अच्छा सर एक एक वर्ड आया था आउट वर्कर, वो क्या होते हैं आउट वर्कर?
आउट वर्कर कहाँ आया वर्ड? अरे बदली, बदली वर्कर बोलते हैं जिसको सर, बदली वर्कर है क्या है? पता नहीं मेरे को ये बदली वर्कर क्या है, क्योंकि ऐसा मैंने वर्ड नहीं, मेरी जानकारी में नहीं होगा, पर मेरी जानकारी में नहीं है, मैं उसको क्लियर नहीं कर पाऊंगा। सर एक क्वेश्चन इसमें था, अभी क्वेश्चन इन्हें डाले थे। हाँ। इसमें मटेरियल इंस्पेक्शन नोट इज साइन बाय इंस्पेक्टर, स्टोर कीपर, कॉस्ट अकाउंटेंट, ऑल ऑफ दिस। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर वही हो गया ना सर? नहीं, एग्जामिनर एक चीज अलग हो गई और इंस्पेक्टर चीज अलग हो गई। आई नोट कब बन रहा है? आई नोट बन रहा है, ये बात हो रहा है इनपुट मटेरियल, केवल ये बात हो रही है। इनपुट मटेरियल जब आप फैक्ट्री परमिसेस में जाते हैं तो उस केस में आपका कई बार JWM भी जाता है, कई बार चार्जमैन जाता है, कई बार नीचे केवल आईज भर जाता है, तो वो इंस्पेक्ट करके आता है मटेरियल। तो आई नोट जिस वही देगा जो गया इंस्पेक्शन के लिए, तो वही साइन करेगा। तो उसको कुल मिलाकर के ये कर दिया इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर साइन करेगा आई नोट को, ये इनपुट मटेरियल के लिए। ओके सर, आंसर ही। हाँ, आंसर है। क्यों उसमें आंसर क्या दिया है सर? पता नहीं है किसने डाला, कौन से ईयर का है? नहीं नहीं, किसी का प्रैक्टिस सेट है सर, वो किसी ने डाला था तो उसमें कंफ्यूजन था, इसलिए क्लियर था। अच्छा चलिए, तो इंस्पेक्टर होता है। तो अभी सर एक ये था कि रिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड एस्टीमेट सिक्स मंथली मतलब हाफ ईयरली। हाँ सर, हाफ ईयरली आपने पहले डिस्कस कर लिया है ना। चलिए अब नेचर से इसको मैं बंद कर रहा हूँ, एक मिनट जब तक चलने दीजिए आप लोग। हाँ कंटिन्यू रहिए। क्या है, व्हाट्सएप थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगता है, जिसके कारण लिंक नहीं पहुंच पाती है। हाँ तब तक आप कंटिन्यू रहिए डिस्कशन। आप लोग, क्या हो रहा है कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई एक क्वेश्चन पेपर या कोई एक टॉपिक को कवर करिए। कोई कहीं का पूछता है, कोई कहीं का पूछता है, आधे लोगों को नहीं पता रहता है और मोरल डाउन होता है, खुद का भी दूसरों का भी। ऐसा लगेगा कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, ये क्या पूछ रहा है। हेलो सर, अगर क्वेश्चन पेपर डिसाइड हो जाए तो सही रहेगा कि आज ये क्वेश्चन पेपर होगा? अब मैं बार बार डिसाइड करके क्या बताऊं, जो डिसाइड होता है उसको आप लोग करते नहीं हो, तब अपने अपने चाल से चलते हो,